हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही क्रिस्पी करारा सिर्फ आलू से बने नाश्ते की रेसिपी शेयर करूंगी जो फ्रेंड्स और झटपट 5 मिनट में बनाकर आप इसको खा सकते हो। जब भी फ्रेंड्स आपका कुछ चटपटा खाने का मन हो, आप इस नाश्ते को फटाफट बनाएं और खाएं। तो ये फ्रेंड्स टेस्टी से आलू से बने नाश्ते की रेसिपी शुरू करते हैं। नाश्ता बनाने के लिए फ्रेंड्स मैंने ले लिए हैं 3 मीडियम साइज के बॉईल किए हुए आलू। आलूओं को छिलकर रिमूव कर दिया। आलूओं को फोर्क की मदद से मैश कर लेते हैं। आप चाहो तो पोटैटो मैशर से भी मैश कर सकते हो। ये देखे फ्रेंड्स, पॉप की मदद से सारे आलुओं को मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। थोड़े से आलुओं मसाले ऐड कर लेते हैं। 1 टीस्पून लिया फ्रेंड्स मैंने चाट मसाले का पाउडर, 1/2 टीस्पून लिया चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून लिया मैंने साबुत जीरा, इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। 1 टीस्पून लिया धनिया का पाउडर, 1 टीस्पून लिया नमक, 1/2 टीस्पून लिया हल्दी का पाउडर। सारे मसाले आलुओं में ऐड कर रहे हैं। नमक मिर्च फ्रेंड्स आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कमी ज्यादा कर सकते हो। थोड़ी सी सब्जियां ऐड कर देते हैं। चॉप किए हुए टमाटर, टमाटरों के मैंने बीज निकाल दिए हैं। चॉप की हुई हरी मिर्च, चॉप की हुई प्याज, चॉप किया हुआ हरा धनिया। फ्रेंड्स आप अपने अकॉर्डिंग सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हो। शिमला मिर्च, गाजर वगैरह जो आपको पसंद हो सब्जी है उनका भी इस्तेमाल कर सकते हो। सब कुछ लेते हैं अच्छे से मिक्स। हाथों की मदद से फ्रेंड्स मैंने मिर्च मसाले आलूओं बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिए। आलूओं में बाइंडिंग के लिए 2 टेबल स्पून लिया मैंने कॉर्नफ्लोर, ये ऐड कर दें। आपके पास मैदा हो तो मैदा का इस्तेमाल करना। 2 टेबल स्पून लिया मैंने बेसन, ये ऐड कर देते हैं। सबको कर लेते हैं मिक्स, इससे आलूओं में बहुत ही अच्छी सी बाइंडिंग आएगी। ये देखे फ्रेंड्स कॉर्नफ्लोर बेसन को मैंने आलू बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है। डो बनकर हमारा तैयार है। अगर आपका आलू का मसाला थोड़ा ढीला रहे तो थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर या बेसन का और इस्तेमाल करना है। हाथों को कर लेते हैं क्लीन, थोड़ा सा ऑयल लगा लें हाथों पर इस तरीके से। अब बना लेते हैं हम नाश्ता। आप टिक्की का शेप दे सकते हो, चौकोर बना सकते हो, ट्रायंगल बना सकते हो, ये आपके डिपेंड करता है आपको कैसा शेप पसंद है। मैं टिक्की के आकार का बनाऊंगी इस तरीके से। ऐसे फ्रेंड्स सारा नाश्ता बनाकर तैयार करना। ये देख फ्रेंड्स सारा नाश्ता मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। अब मैंने फ्राई कर लेते हैं। नाश्ता फ्राई करने के लिए फ्रेंड्स मैंने पैन में ऑयल ले लिया है और उनको मीडियम गर्म कर ले। गैस का फ्लेम मीडियम रखे। ऑयल फ्रेंड्स हमारा मीडियम हॉट हो चुका है। नाश्ता ऐड कर देते हैं ऑयल में। आपके पैन में जितने नाश्ता आसानी से आए उतना ही ऐड करें। मीडियम फ्लेम पे हमें फ्राई करना है जिससे कि अंदर तक से नाश्ता हमारा बहुत ही अच्छे से फ्राई हो। मैं नाश्ते को फ्रंट साइड ऑफ फ्राई कर रही हूँ। आप चाहो तो डिप फ्राई भी कर सकते हैं। एक साइड से नाश्ता हमारा अच्छे से फ्राई हो जाए जब इसके साइड चेंज करेंगे। एक साइड से फ्रंट नाश्ता हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है, साइड चेंज कर दें। ये देखने आप देख सकते हो नाश्ता फटा है ना टूटा है, बहुत ही अच्छे से फ्राई हो रहा है। इस पॉइंट पर फ्रेंड्स आपको मेरी रेसिपी जरा सी भी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। अगर आपने अभी तक फेसबुक और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जाइए फॉलो कीजिए। नाश्ते पर हुए फ्रेंड्स नाश्ते को गोल्डन होने तक फ्राई कर ले। ये देखते फ्रेंड्स दोनों साइड से नाश्ते को मैंने अलगते पलटते हुए गोल्डन कर लिया है। नाश्ता हमारा बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुका है। निकाल लेते हैं प्लेट में। ये देखें और पलट देखें आप कितना प्यारा आया है। ऐसे फ्रेंड दूसरा वेज फ्राई कर लें। तभी देखो फ्रेंड आलू का गर्म गर्म क्रिस्प करारा नाश्ता बनकर हमारा बिल्कुल तैयार है। मैं आपको दिखाती हूँ कितना क्रिस्प नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। इस नाश्ते को फ्रेंड आप चटनी के साथ, सॉस के साथ, किसी के साथ भी एंजॉय कर सकते हो। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।